तो ये है इन्फिनिक्स नोट 30 5G जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से अंडर 15,000 रुपीज में. एंड ये मेरे पास है, इट्स बीन मोर देन 10 to 12 days मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ. सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में. सो अगर आप ये डिवाइस लेते हैं आपको क्या क्या इंटरनल फीचर मिलेगा उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ. मेरे पास जो वेरियंट है वो 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन अच्छी बात ये है ये जो 8GB रैम है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं. तो 8GB प्लस 8GB टोटल आप अगर चाहे तो 16GB तक इस डिवाइस के रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं. इस डिवाइस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्पेशल फंक्शंस के अंदर मिलता है सेटिंग्स के अंदर. एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया मेमोरी फ्यूजन, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपना जो रैम है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं. स्मार्ट पैनल का जो फीचर है, ये साइड से जो स्मार्ट पैनल निकलता है, तो ये स्मार्ट पैनल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं. स्मार्ट पैनल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस सोशल टर्बो, दिस इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर दी व्हाट्सएप लवर. तो व्हाट्सएप में यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्यूटी फिल्टर ऐड कर सकते हैं, दैट यू कैन डू. गेम मोड इज हेयर और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द एक्स क्लोन. तो जितने भी आई थिंक फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको आप यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग यहाँ पर जो इस फोन में अवेलेबल है. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, मतलब जो हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं उसका आप क्लोन क्रिएट करके इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर और एक चीज़ ऑप्शन है विच इज़ द वीडियो असिस्टेंस. यहाँ पर वीडियो असिस्टेंट के माध्यम से आप अपना वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को लाइक अपडेट कर सकते हैं. इवन एट द टाइम ऑफ वॉचिंग वीडियोज आप उसको रिकॉर्डिंग या फिर दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन अंडर वीडियो असिस्टेंस. अभी कोई भी वीडियो आप प्ले करते हैं तब आप वीडियो असिस्टेंस मिलता है. ऐसे करने से यहाँ पर वीडियो असिस्टेंट मिलेगा, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद बैरेज नोटिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्ड है, प्ले इन बैकग्राउंड आप कर सकते हैं. मतलब इसको सिंपली प्ले इन बैकग्राउंड करके वो वीडियो चलता रहेगा और बैकग्राउंड में आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस होता है जो आपको मतलब सुनना पसंद है, देखना उतना ज़रूरी नहीं है. तो वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है ये वीडियो असिस्टेंट की मदद से, प्ले इन बैकग्राउंड. जल्दी से एक बार यहाँ पर OTG चेक कर लेते, देखते हैं OTG का क्या अभी सिचुएशन है. तो यहाँ पर OTG लगाने के बाद दो ऑप्शन आता है, एक आता है फाइल ट्रांसफ़र, दूसरा आता है लार्ज करंट चार्जिंग. मतलब अगर आप इससे दूसरे डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ दिस फोन एज अ पावर बैंक, तो वो भी आप कर सकते हैं. तो मैं जनरली फाइल ट्रांसफ़र कर देता हूँ. फाइल ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, आप OTG की कोई भी मतलब जो भी आप हार्ड ड्राइव या फिर जो भी पेन ड्राइव लगाएंगे उसको आप इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे. डिवाइस में बहुत एक अच्छा फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड ए बाईपास चार्जिंग. ये गेमिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा. सेटिंग्स के अंदर स्पेशल फंक्शन है एंड उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है गेम मोड. गेम मोड से थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलता है बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन. तो ये रहा बाईपास चार्जिंग, तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं. इससे क्या होगा, जैसे ये लोगो आप देख पा रहे हैं, जब आप गेम खेलेंगे तब आप चार्ज में लगा के गेम खेलते हैं तो बैटरी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा, डायरेक्टली फोन वो चार्ज से चलेगा एंड आप आराम से गेम खेल पाएंगे. इससे क्या होगा, बैटरी को भी प्रेशर नहीं पड़ेगा. यहाँ पर चार्जिंग थ्रेशोल्ड 30% है, चार्जिंग पावर 50% है. तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है जनरली एक्सपेंसिव गेमिंग डिवाइसेस में होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिया गया. तो बाईपास चार्जिंग इज ए वेरी गुड एड ऑन. इस डिवाइस में 360 फ्लैश का भी ऑप्शन दिया गया. सिंपली फ्लैश के अंदर जाने के बाद आप 360 फ्लैश ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रियर एंड सेल्फी दोनों में आपको फ्लैश देखने को मिलता है. बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर आपको मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले. उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है दैट इज अप टू 120 Hz. तो आप चाहे तो 120 Hz में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑटो में स्विच कर सकते हैं. ऑटो में जनरली 60, 90, 120 Hz में यहाँ पर चलेगा. सो आप 120 Hz में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट आपको एकदम फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. अल्ट्रा टच का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप सेटिंग्स के अंदर आके अल्ट्रा टच के अंदर जाके स्वाइप अल्ट्रा फास्ट करके रख सकते हैं एंड मोशन स्पीड भी फास्ट करके रख सकते हैं, जो मैंने करके रखा है. इससे क्या होगा, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर होगा एंड ये काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिबली काम करेगा. डार्क थीम भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो डार्क थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं जनरली डार्क थीम भी मैक्सिमम जगह पर इस्तेमाल करता हूँ एंड जो बेसिकली क्या होता है आँखों को थोड़ा बहुत राहत देता है. एंड यहाँ पर आई केयर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस डिवाइस को, इस डिस्प्ले को एज आई केयर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अभी थोड़ा बहुत वार्म टोन आ गया है तो आपको आँखों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा. स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज एंड दूसरा जो भी आपका इंटरनेट स्पीड वो सब लाने के लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा डिस्प्ले में. डिस्प्ले के अंदर नीचे यहाँ पर स्टेटस बार का ऑप्शन है जहाँ पर आपका शो इंटरनेट स्पीड है, शो बैटरी परसेंटेज है एंड शो नेटवर्क नोटिफिकेशन आइकन्स है. तो नोटिफिकेशन आइकन इज ओके, बैटरी परसेंटेज ओके, नेटवर्क स्पीड नहीं चाहिए, वो बकवास, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता उसके अंदर. लेकिन अगर आप चाहते
से उसको रख सकते हैं, लेकिन इससे मुझे लगता है बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करता है, बट मुझे लगता है ये तीनों ही काफ़ी यूजफुल हैं। तीन बटन्स मिलता है नीचे, नेविगेशन बटन, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फुल जेस्चर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले है, डिस्प्ले के नीचे एकदम आ जाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप जेस्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं जेस्चर भी इस्तेमाल करना कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप थ्री बटन नेविगेशन चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इवन थ्री बटन नेविगेशन को आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट चाहिए, मैं जनरली ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, तो ये भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब इसको आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत किसी को फुल जेस्चर पसंद है एंड बहुत किसी को बटन्स पसंद है, मैं जनरली बटन से इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है विच स्पेशल फंक्शंस एंड उसके नीचे यहाँ पर आपको मिलता है एक्शन एंड जेस्चर। तो एक्शन एंड जेस्चर के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन है, मतलब अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं, कॉल आया है आपको पसंद नहीं, आप सिंपली ऐसे फ्लिप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाएगा, तो ये एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। रेस ईयर टू रिसीव कॉल्स, मतलब आप जब भी कानों के सामने इसको लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीव करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है। लिफ्ट टू वेक, ये भी मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बार बार पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन ऐसे रखा है जब भी आप इसको फ़ोन को उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन लाइट अप हो जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आप चाहे तो देख पाएंगे, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल है। आंसर कॉल्स विद अ जेस्चर, तो यहाँ पर आपको ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे टू फिंगर दिखा के आप कॉल को आंसर कर सकते हैं एंड पाँच फिंगर दिखा के यहाँ पर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप फ़ोन से दूर है तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ ए इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। स्क्रीनशॉट का तो हम लोगों को पता है, ऐसे थ्री फिंगर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन प्रेस करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से मिल जाता है दोनों। और एक दो ऑप्शन है, एक म्यूज़िक जेस्चर है, तो जब ये लॉक स्क्रीन में रहता है तो राइट लेफ्ट ये फिर ऐसा करके आप म्यूज़िक जेस्चर करके आप म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं। टैपिंग टू वेक अप, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, डबल टैप टू वेक अप, तो ये मैं बोलूँगा बहुत एक एसेंशियल है, मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, दिस इज़ वेरी गुड। एंड क्विक स्टार्ट, मतलब यहाँ पर आपका क्विक स्टार्ट के अंदर आप अलग अलग यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है, मतलब सी टू कैमरा, एम टू यूट्यूब म्यूज़िक, डब्लू टू नन, मतलब यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन चाहे तो जब भी आप फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा रहेगा, मतलब जब ये बंद रहेगा तो मैं ऐसे सी दबाऊँगा तो सी फॉर कैमरा खुल जाएगा, समझ में आया, तो बेसिकली ऐसे ही ये काम करता है, तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट यू कैन यूज़। तो जेस्चर के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। इस बार कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन दिया गया है जो मुझे लगता है काफ़ी एक बढ़िया एड ऑन है, वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, आप टू 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन जब आप इनेबल करेंगे तब थोड़ा बहुत क्रॉप फैक्टर आ जाता है, जैसे यहाँ पर ऐसे है तो ये फुल स्क्रीन आता है, जब भी आप करेंगे तो ये थोड़ा बहुत क्रॉप फैक्टर आ जाता है, लेकिन रियर कैमरा सेल्फी कैमरा दोनों से आप फुल HD 30 FPS में स्टेबलाइज वीडियोस ले सकते हैं। यहाँ पर और एक अच्छा चीज़ है वो जो डुअल वीडियो का ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर डुअल वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमरा रिव्यू में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया, तो डुअल वीडियो ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड और एक चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगा, दैट इज़ द सेल्फी कैमरा टाइमलेस, तो अगर आप चाहते हैं तो रियर कैमरा के साथ साथ सेल्फी कैमरा से भी टाइमलेस वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाय द वे इस डिवाइस का कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया लगी, इवन ये जो वॉलपेपर आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसी फ़ोन से लिया है, एंड ये वाला नहीं, ये वाला मतलब अंदर वाला। एंड अगर आप कुछ कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं एक्चुअली इस डिवाइस में फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया आता है एक्चुअली, सो इन टर्म्स ऑफ द कैमरा ये तो कोई हिडन फीचर नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। तो इस बार इन्फिनिक्स ने इन टर्म्स ऑफ कैमरा बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगा इस डिवाइस में। आप कोई भी एप्लीकेशन को पॉपअप विंडो में ला सकते हैं, सिंपली फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन है जो एप्लीकेशन पॉपअप विंडो सपोर्ट करता है, साइड में यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एप्लीकेशन है, फेसबुक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसे टैप करेंगे, फेसबुक आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर टैप करके इसको मिनिमाइज़ करके कहीं पर भी रख सकते हैं। और मैं एक बार देखना चाहता हूँ यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशंस ऐसे खुलता है, तो ये वाला भी एप्लीकेशन यहाँ पर खुल गया, बाकी और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। अच्छा ये वाला एप्लीकेशन तो ऑलरेडी खुला हुआ था, तो इसको हम टैप करके ऐसे खोल लेते हैं, बाकी और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। मैसेजेस को हम लोग खोल सकते हैं, ओके इधर कौन सा है, गूगल प्ले स्टोर को हम लोग खोल सकते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है दो से ज़्यादा नहीं खुलेगा, अच्छा दो ही मैक्सिमम आप पॉपअप विंडो खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। पॉपअप विंडो इस्तेमाल करने का और एक काफ़ी आसान तरीका है, सिंपली आप कोई भी विंडोज़ खोलो, उसके बाद ये जो तीन दाग है मतलब जो मल्टीटास्किंग का जो है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो, ये पॉपअप विंडो में चला जाएगा, तो ये काफ़ी एक आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। फ्रीजर एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ये रहा कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते फ्रीजर में डाल के रख सकते, लेकिन फ्रीजर को आप जनरली हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते,
फ्रीजर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सिंपली प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद अदर्स, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रीजर। फ्रीजर को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा फ्रीजर इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन। फॉर एन एग्जांपल, आप नेट ऑन रखना चाहते हैं लेकिन कोई भी एप्लीकेशन आप नहीं चाहते कि वो नेट इस्तेमाल करे, सिंपली उस एप्लीकेशन को पकड़ो, फ्रीजर के अंदर डाल दो, बस हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, लेकिन ऐप भी आपके फ़ोन पे रहेगा, लेकिन वो ऐप आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी नहीं रहेगा। सो ये मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अनजिप हो जाता है, मतलब आपका अनफ्रीज हो जाता है। सो ये ऑप्शन मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी यूज़फुल भी है। यहाँ पर फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलता है, और अगर आप DRM इन्फो चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब आप हाई रेजोल्यूशन कॉन्टेंट मतलब इन्जॉय कर पाएंगे ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजन या फिर हॉटस्टार में हाई रेजोल्यूशन कॉन्टेंट आप देख पाएंगे। बाकी एक दो चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मल्टी टास्क। यहाँ पर आपको 5-point touch डिस्प्ले देखने को मिलता है, नॉट ए 10-point touch डिस्प्ले। हालांकि उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो तो है। मैनुअल कैमरा में जाके थोड़ा बहुत टेस्ट करके आपको दिखा देते कि एग्जैक्टली यहाँ पर अभी क्या है। तो यहाँ पर मैनुअल फोकस, मैनुअल वाइट बैलेंस, मैनुअल ISO, मैनुअल शटर फिश सभी मिलता है, रॉ सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा फीचर मिलता है। तो इस साइड से तो नोटिफिकेशन पैनल आता है, इस साइड से आपका जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स आता है वो आता है। तो ये जो बैजेस है इसको आप ऐसे डाउन करेंगे तब आपको पूरा नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप अपने स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं अपने टीवी से, स्मार्ट डिवाइसेस से, तो वो आप स्क्रीन कास्ट के मदद से कर सकते हैं, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज द NFC, इवन NFC पेमेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं तो NFC से पेमेंट करना, तो आप अपना कार्ड यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। तो NFC ऑप्शन इज अवेलेबल, जो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डार्क थीम को डायरेक्टली आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो आपको डिस्प्ले में जाने का जरूरत नहीं है सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आप डार्क थीम को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पर एडिट शॉर्टकट्स भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे और भी शॉर्टकट्स हैं जो आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर शॉर्टकट्स का भरमार है, भरमार मतलब बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ पर 5G प्रेफर्ड है, सिक्योरिटी है, साउंड, नोटिफिकेशन। मैं टोटली एक बार कर देता हूँ, चलिए इसको मैं एकदम कर लिया। तो अभी मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे सभी मिल जाएगा, जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन टॉगल्स हैं यहाँ पर आपको सभी देखने को मिलेगा। 5G प्रेफर्ड है, वो भी आप इनेबल डिसेबल करके रख सकते हैं बिकॉज इट्स ए 5G डिवाइस। सो ओवरऑल यहाँ पर जो देखा जाए तो नोटिफिकेशन टॉगल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस डिवाइस में PC कनेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली आप इनेबल करके एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन के जितने भी फाइल्स को ऑन योर PC, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी एक बढ़िया एड ऑन ऑप्शन है। तो अगर आप और भी अच्छे से अपने PC एंड स्मार्टफोन को कनेक्ट करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं, वो इसके मदद से आप कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको ऑप्शंस मिल जाता है सिंपली मल्टीटास्क में जाने के बाद। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, इसको आप ऐसे टैप करेंगे, यहाँ पर तो मल्टी स्क्रीन है, यहाँ पर टैप करने से स्प्लिट स्क्रीन, अनलॉक, ब्लर, ऐप इन्फो, लॉक मैनेजमेंट, ये सभी कर सकते हैं। मतलब मैं अगर चाहता हूँ तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूसरी जगह पर मैं YouTube इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग है, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल ऐसे क्लीन करता हूँ तो जितने भी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाता है, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलता रहे, आप नहीं चाहते उसको बंद करना। फॉर एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ फेसबुक मेरे बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहे, सिंपल आपको मल्टीटास्किंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा फेसबुक में, यहाँ पर टैप करने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। देखिए ये लॉक है, बाकी सब लॉक्स नहीं है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ तो ये फेसबुक दिया जाएगा, क्योंकि ये लॉक है, ये मेमोरी में हमेशा रहेगा और मैं इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप वाईफाई देखते हो, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया, मतलब 5 GHz एंड 2.4 GHz दोनों ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको बैंडविड्थ काफ़ी अच्छा मिलता है। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एक्स थीम का। एक्स थीम एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी थीम्स यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यार 3 थीम यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैं ये वाला थीम को पहले एक बार अप्लाई करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा देखने में। इट लुक्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये लगता है, एंड जो आइकन्स है वो भी चेंज हो जाता है। मैं और एक थीम आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो एक्स थीम है, यहाँ पर ये वाला थीम भी है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा लाइट थीम है, एंड यहाँ पर ये थीम चेंज हो गया। वाओ, ये देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, इनफैक्ट दिस वन आल्सो लुक्स गुड। सो ऐसे आप थीम को चेंज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है माई थीम। आप चाहे तो खुद का जो थीम जो डाउनलोड किया हुआ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन पे, जो जो थीम्स है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
वॉलपेपर्स बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो वॉलपेपर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, जो भी वॉलपेपर आपको पसंद है, वीकली जो भी अपडेट्स है, तो यहाँ पर फ्री में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। माई डी वाई इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पर आप अपना थीम खुद भी चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग्स को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अपेयरेंस मैगजीन लॉक स्क्रीन में ला सकते हैं, मतलब जब भी आप इसको खोलेंगे ऑटोमेटिकली ये जो फोटो ये चेंज होता रहेगा, मतलब मैगजीन के हिसाब से आपको अलग अलग फोटो मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंटरनेट का जरूरत है। तो ये मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इसको डिसेबल ही करके रखता हूँ। माई वीडियो शोज, मतलब जब आप कॉल करेंगे कॉल में आपको कैसा स्क्रीन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द कस्टमाइजेशन बहुत सारा ऑप्शन मिलता है थीम स्टोर के अंदर। वाओ, दिस वन लुक्स गुड। तो मैं अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब जो इन्फिनिक्स का जो आपका एक्स थीम है उससे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वन लुक्स एपिक इन फैक्ट, बहुत बढ़िया। सो गाइज, ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द इन्फिनिक्स नोट 35, जो बहुत एक बढ़िया स्मार्टफोन है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई कैन रिकमेंड दिस डिवाइस अंडर 15,000 रुपीज। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। एंड ये वीडियो कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। इस डिवाइस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, अनबॉक्सिंग है, कैमरा रिव्यू, मेरा फुल इंडेक्स रिव्यू जो मैंने सिक्किम जाके शूट किया था, वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी जानना है इस डिवाइस के बारे में, डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट, मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।